Hello everyone, welcome back to Java 3. This is Alok Pandey and today we will talk about classes in Java. अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा था वो नॉर्मल ऑपरेशन थे, लाइक हम लोगों ने देखा लूप्स वगैरह, देखा इफ एल्स, स्विच केस, दुनिया भर की चीजें देखी. अब टाइम है कि हम बात करें क्लास के बारे में एंड क्लास होता क्या है उसके बारे में बात करते हैं. सबसे पहले चीज, मैं कोई भी रियल लाइफ एग्जाम्पल लेना पसंद करता हूँ तो मैं रियल लाइफ एग्जाम्पल ही लूंगा. जैसे मैं भी एक लैब में बैठा हुआ, अभी करंटली जिस लैब में बैठा हुआ वहां पे बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं. कुछ ऐसी चीजें हैं जो वैल्यूज को होल्ड करके रख सकती हैं, कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो सिर्फ फंक्शनैलिटी करती हैं, जो कोई चीज होल्ड करके नहीं रख सकती बट फंक्शनैलिटी करती हैं. जैसे अभी मेरे टॉप में देखो एक फैन चल रहा है, ठीक है, ऊपर मेरे. अब ये फैंस तो घूम रहे हैं, कुछ ना कुछ फंक्शनैलिटी कर रहे हैं, घूमने के ही काम कर रहे हैं बट फंक्शनैलिटी कर रहे हैं. लेकिन ये किसके अंदर? ये मेरे क्लास के अंदर, इस मेरे लैब के अंदर ही है. तो ये पूरा का पूरा एक लैब, एक क्लास है, राइट. अब इस क्लास के अंदर और भी ऐसी चीजें हैं जो किसी न किसी चीज को होल्ड करके रख सकती है, जैसे आपका बैग. बैग के अंदर बहुत सारी चीजें हैं लेकिन वो किसके अंदर है? क्लास के अंदर ही है. तो इसी तरह से जो जावा या फिर किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जो क्लासेस होते हैं, वो क्लासेस के अंदर ज्यादातर आपको फंक्शंस एंड वेरिएबल्स मिलने वाले हैं, ठीक है. फंक्शंस रहने वाले हैं, वेरिएबल्स रहने वाले हैं, या फिर किसी और क्लास का ऑब्जेक्ट हो सकता है. तीन चीजें हो सकती हैं. एक क्लास है क्या? सिंपली क्लास इज अ ब्लॉक ऑफ कोड. एक ब्लॉक ऑफ कोड ही नहीं बोल सकते, एक ऐसा बेसिक बिल्डिंग स्ट्रक्चर है, कि ऐसा स्ट्रक्चर है. जावा के अंदर अब मैं कोई भी प्रोग्राम लिखता हूं तो सबसे पहले मुझे क्लास बनाना पड़ता है, राइट. अगर मैं हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर रहा हूं तो भी क्लास बनाना पड़ता है. लेकिन आपने देखा क्लास के अंदर क्या आता है उसके बाद? क्या आप डायरेक्टली सिस्टम डॉट डॉट प्रिंटलन लिख सकते हो? नहीं लिख सकते, आपको मेन मेथड के अंदर लिखना पड़ता है. तो मेथड जो है वो हमारे क्लास के अंदर है. तो क्लास के अंदर जो कुछ भी है वो उसके बोले जाते हैं मेंबर्स, उस क्लास के मेंबर्स बोले जाते हैं. जैसे आप हमारे फैमिली के मेंबर हो, एक क्लास के मेंबर हो गए. इसी तरह से वो क्लासेस के अंदर जो कुछ भी है, एक घर में रहने वाले जितने भी लोग हैं वो सब उस घर के मेंबर बोले जाते हैं. उसी तरह से क्लास के अंदर जितने भी चीजें रहती हैं, चाहे वो वेरिएबल हो, चाहे फंक्शन हो, चाहे ऑब्जेक्ट हो, वो सब उस क्लास का मेंबर बोले जाते हैं, ठीक है. तो क्लास सिंपली एक ऐसा बिल्डिंग ब्लॉक है जिसके अंदर बहुत सारी और भी चीजें होती हैं, जैसे वेरिएबल्स, फंक्शंस एंड ऑब्जेक्ट्स, ठीक है. सिंपल टर्म में बोले तो क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स, फंक्शंस एंड ऑब्जेक्ट्स. ये सिंपल डेफिनेशन है, आप किसको भी बोलोगे आराम से समझ आएगा. क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स, फंक्शंस एंड ऑब्जेक्ट्स, ठीक है. सो चलो ये बनाते कैसे हैं उसके बारे में बात करते हैं, फिर ऑब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे. तो चलते हैं नोटपैड के अंदर, नोटपैड प्लस प्लस के अंदर. आप कोई भी एडिटर यूज कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या यूज करना चाहते हो. फिलहाल मैं यूज कर रहा हूँ यहाँ पे नोटपैड प्लस प्लस, तो मैं उस पर काम करूंगा फिलहाल. न्यू ये रहा हमारा न्यू क्लास बना लिया. अब क्लास का नाम देते हैं यहाँ पे. देखो क्लास बनाने के लिए आपको यूज करना पड़ेगा क्लास एज अ कीवर्ड, तो दैट इज क्लास. अब इसे मैंने सेव नहीं किया इसलिए वो कलरफुल नहीं आया, तो मैं इसे सेव कर लेता हूँ पहले, तो आपको समझ में आएगा. दिस पीसी एंड यहाँ पे एक फोल्डर है डेस्कटॉप के अंदर, सेव कर डेस्कटॉप के अंदर एक फोल्डर है हमारा जावा नाम का, वहीं पे मैं डालता हूँ सैंपल डॉट जावा, ठीक है, जो कि ऑलरेडी है, मैं सिर्फ ओवरराइट करने जा रहा हूँ, ठीक है. अब देखते हैं, जैसे ही मैंने क्लास लिखा वो ऑटोमेटिकली ब्लू कलर में चेंज हो गया. मतलब क्या है, एक कीवर्ड है, मतलब इससे ही नहीं पता चलता कि वो कलर ब्लू हो गया इसलिए वो कीवर्ड है. कीवर्ड इसलिए है क्योंकि उसका कुछ ना कुछ स्पेशल मीनिंग है, उसका कुछ मतलब है जिसको हम एज अ नेम यूज नहीं कर सकते. तो ये क्लास हो गया कीवर्ड. अब यही इंडिकेट करता है कि इसके आगे आप जो लिखने वाले हो वो एक ब्लॉक होगा और उस ब्लॉक का नाम क्लास, जो भी हम नाम देंगे वो होगा, लेकिन वो जो ब्लॉक बन रहा है वो क्लास टाइप का होगा. तो मैं यहाँ पे नाम दे रहा हूँ इस ब्लॉक को, सपोज इसे मैं समझ लेता हूँ ये मेरा जो रूम है, ये करंट रूम, ये हमारा एक ब्लॉक बनेगा. लेकिन इस ब्लॉक का कुछ ना कुछ तो नाम भी होगा, जैसे मैंने बोल दिया प्रैक्टिस लैब, थ्योरी लैब, ऐसा कोई भी लैब बोल दिया मैंने. तो मैंने यहाँ पे रख दिया इसका नाम, में कुछ भी दे सकते हो बट वो कोई कीवर्ड नहीं होने चाहिए, और कोई बस कीवर्ड नहीं होने चाहिए, कोई स्पेशल करेक्टर नहीं होने चाहिए, जो कि मैंने ऑलरेडी पहले लेक्चर्स में डिस्कस किया है. तो मैं इसका नाम देता हूँ सैंपल, ठीक है. अब इस क्लास का नाम हो गया सैंपल. अब इसके अंदर मैं जो कुछ भी लिखूंगा, जैसे मैंने पहली चीज लिखता हूँ, एक फंक्शन बनाता हूँ void sum, sum नाम का एक फंक्शन बना. अब ये क्या हो गया, इस क्लास का मेंबर हो गया. अब इस फंक्शन में भी पार्ट्स हैं, देखो ये फंक्शन के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे. फिलहाल ये, अब ये जो कर्ली ब्रेस है यहां से लेके ये वाला कर्ली ब्रेस एंड लास्ट का ये कर्ली ब्रेस, ये इस क्लास का बॉडी या ब्लॉक हो गया है. इस क्लास का नेम क्या है ये? अब ये क्लास ही कैसे है, कैसे पता चल रहा है? क्योंकि यहां पे हम लोगों ने पास किया है क्लास कीवर्ड एंड कर्ली ब्रेस नेम के तुरंत बाद ही आना चाहिए, ठीक है. इतना समझ में आया? गुड.
अब इसी तरह से मैं इसके अंदर बहुत सारे वेरिएबल्स बना सकता हूँ, जैसे मैंने बना दिया इंट ए सेमीकोलन। अब ये क्या हुआ, इस क्लास का एक डेटा मेंबर हुआ, डेटा मेंबर जो वैल्यू को होल्ड करके रख सकता है उसे बोलते हैं डेटा मेंबर। ठीक है, अभी ए के अंदर मैं कुछ ना कुछ वैल्यू रख सकता हूँ, मैं इक्वल टू करके 89 रख दिया या फिर इस तरह से कोई वैल्यू रख दिया मैंने। ठीक है, अब तो ए के अंदर ए इंटू 5 है तो ये वैल्यू होल्ड करके रख रहा है, तो इसे बोलते हैं डेटा मेंबर। डेटा मेंबर वो होते हैं जो कुछ ना कुछ वैल्यू होल्ड करके रख सके। अब मेंबर फंक्शन क्या होते हैं, अब ये वाला जो ब्लॉक लिखा है हम लोगों ने ये बोला जाता है मेंबर फंक्शन। ये किसी न किसी ऑपरेशन करने के लिए बनाया जाते हैं, कोई ना कोई ऑपरेशन, जैसे मैंने यहाँ पे सम दिया है, सम मतलब दो नंबर्स को ऐड करना, राइट। तो मैं यहाँ पे सेमीकॉलन देता हूं एंड अब यहाँ पे मैं लिखता हूं लाइक ए इंटू ए, मैं इस तरह से लिख सकता हूँ या फिर इसके अंदर कुछ वैल्यू देते हैं इक्वल टू एंड 8 देते हैं एंड यहाँ पे मैं देता हूँ सिस्टम डॉट, क्योंकि मैं सिस्टम डॉट डॉट प्रिंटर में फंक्शन को बाहर नहीं लिख सकता, किसी न किसी फंक्शन के अंदर होना कंपलसरी है। ठीक है, तो एक क्लास के अंदर मल्टीपल वेरिएबल्स, मल्टीपल फंक्शंस, मल्टीपल ऑब्जेक्ट बना सकते हो जितना भी आपकी जरूरत है। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन प्रिंट एलन यहां सेमी कॉलन और यहां पे मैं प्रिंट करता हूं ए प्लस ए, सिंपल। ठीक है, अब ये एक ही नंबर्स को दोबारा ऐड हो रहा है, तो ये इसका काम क्या है, दो नंबर्स को ऐड करना और उसे प्रिंट करना, ये उसका काम है। अब ये फंक्शन है, ये चीज फंक्शन है और ये क्लास है, कैसे पता चलेगा, अगर फंक्शन रहेगा तो ये पैरेंथेसिस आएगा ही आएगा कंपल्स, चाहे वो पैरामीटराइज्ड हो या फिर नॉन पैरामीटराइज्ड, लेकिन अगर क्लास है तो उसके पहले पैरेंथेसिस नहीं आएगा एंड इसके पहले कोई रिटर्न टाइप हो सकता है, इसके पहले कोई ना एक क्लास रहेगा, कीवर्ड जो रहेगा वो क्लास रहेगा या फिर इंटरफेस होगा या फिर एब्स्ट्रैक्ट क्लास होगा, पब्लिक क्लास प्राइवेट क्लास ऐसे हो सकता है, लेकिन क्लास तो रहने वाला है या फिर इंटरफेस, दो चीज रहने वाला है। ठीक है, फिर इतना समझ में आया। अब इसे रन करने के लिए जैसे मैंने बताया इसका एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है मेन मेथड से, तो मेन मेथड एक बना लेते हैं इसी क्लास के अंदर, बना लेते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन एंड इसका भी ब्लॉक एंड यहां पे एक पैरामीटर पास करना पड़ता है स्ट्रिंग ए आर जी एस इरा। ठीक है, सो अब ये सारी चीजें हो गई। अब इसके अंदर मुझे इस फंक्शन को कॉल करना है, सम को। अगर मैं सम को यहां पे कॉल करता हूं, देखो इसे बोलते हैं कॉलिंग, ये जो चीज मैंने की ना ये बोलाता है फंक्शन को हम कॉल कर रहे हैं। अगर यही मैं सिर्फ ये पूरा जो लिखा है ये फंक्शन का बॉडी बोला जाता है, फंक्शन का बॉडी पूरा का पूरा फंक्शन डेफिनेशन है ये, लेकिन मैं अगर इतना ही लिख रहा हूं तो मतलब मैं फंक्शन को कॉल कर रहा हूं, मतलब एक ऑलरेडी बनी हुई चीज है, मैं उसको बोल रहा हूँ आओ ये काम करके चले जाओ। तो इसी तरह से मैं सम को कॉल कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ ए के अंदर जो भी वैल्यू है उसे ऐड कर दो और यहाँ पे प्रिंट कर दो, बस इतना है। सेव कर लेते हैं एंड इसे कंपाइल करते हैं। अब सी एम डी एंड यहाँ पे डालते हैं जावा सी, यस पास सेट है, सो मैं जाता हूँ सी डी डेस्कटॉप के अंदर एंड स्लैश जावा एंड एंटर करो। यहाँ पे है प्रोग्राम का नाम है सैंपल, सैंपल डॉट जावा, एंटर करो। कोई इश्यू नहीं तो एरर नहीं आएगा, अदरवाइज एरर आएगा। अब एरर क्या है वो चीज समझने वाली बात है। नॉन स्टैटिक मेथड फंक्शन कैन नॉट बी रेफरेंस फ्रॉम द स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट, बहुत सिंपल सा है जो कि मैंने वेरिएबल में ऑलरेडी बताया था। अगर मैं कोई नॉन स्टैटिक, अभी यहाँ पे क्या स्टैटिक मैंने लिखा है इसके पहले, क्या यहाँ पे लिखा हुआ है, जहां पे स्टैटिक नहीं लिखा हुआ है वो सारी चीजों को स्टैटिक वाली चीजों के अंदर नहीं यूज कर सकते, क्योंकि ये वाली चीज जो है स्टैटिक है, यहाँ पे देखो स्टैटिक लिखा हुआ है और मैं यहाँ पे स्टैटिक नहीं लिखा हूं। या तो मैं इसे यहाँ पे स्टैटिक लिख दूं स्टैटिक, या फिर मैं उसे क्या कर सकता हूं इस क्लास का ही ऑब्जेक्ट बना के, लेकिन मैं ऑब्जेक्ट बना के नहीं बता रहा हूं, फिलहाल स्टैटिक से ही काम कर लेते हैं। अब स्टैटिक वर्ड सम लिख रहे हैं, ठीक है। अब स्टैटिक क्या है, क्या स्टैटिक आपको पता नहीं याद है कि नहीं, स्टैटिक सिंपली एक ऐसा कीवर्ड है जो हमारा स्कोप बढ़ा देता है, किसका, जिसकी वजह से वो बाय डिफॉल्ट जब क्लास हमारा लोड होता है सिस्टम में, यानी हमारा दो पार्ट होता है, एक कंपाइलेशन एक एग्जीक्यूशन होता है, तो कंपाइल होने के बाद एग्जीक्यूशन में जाने के लिए लोड होता है बीच में वो क्लास फाइल, जो डॉट क्लास फाइल बाइट कोड फाइल जो जनरेट होता है ना, वो हमारा जाता है एग्जीक्यूशन के लिए। जब एग्जीक्यूशन होने के लिए जाता है उसी टाइम पे हमारे जो भी स्टैटिक चीजें रहेंगी वो एग्जीक्यूट हो जाती है। जैसे अगर मैंने यहाँ पे स्टैटिक डाल दिया तो ये पहले ही इनिशियलाइज यहीं पे हो जाएगा स्टैटिक टाइम पे, ठीक है, यानी क्लास लोडिंग के टाइम पे ही हो जाएगा। और जो नॉन स्टैटिक होते हैं जैसे अभी है ये करंटली, ये तब बनते थे जब हमारा ऑब्जेक्ट बनता था,
लेकिन मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया नहीं है, मतलब वो बनेगा नहीं, तो मैं उसको यूज कैसे कर पाऊंगा, राइट? तो इससे मुझे स्टैटिक करना पड़ेगा, क्योंकि मैं अभी, हाँ, तो क्योंकि अभी मैं उसका इंस्टेंस बनाया नहीं, इंस्टेंस मतलब ऑब्जेक्ट उसका बना नहीं रहा हूँ, तो ये भी स्टैटिक होगा, ये भी स्टैटिक हो गया। अब मैं इसे सेव करता हूँ, अब जाके कंपाइल करता हूँ, जावा सी, ओके डन। अब इसे रन करते हैं, यहां से ये निकाल दो एंड यहां से सी निकाल दो, ये रहा हमारा आउटपुट, ओके 16, राइट, 8+8=16, तो ये अब हमारा आंसर आ गया। इवन अगर मैं यहां से स्टैटिक निकाल देता हूं तो चलेगा कि नहीं? चलेगा, पक्का? इंट ए इक्वल टू 8, और ये चीज देखना, स्टैटिक वॉइड सम, स्टैटिक वॉइड सम, ठीक है। चलो कंपाइल करो, आ गया एरर, क्यों? मैं इतनी देर से क्या बोल रहा हूं, यही कि इंट ए इक्वल टू 8 है और वो स्टैटिक नहीं है, और अब जो उसको यूज करने वाले हो यहां पे यूज कर रहे हो, और ये किसके अंदर है? स्टैटिक ब्लॉक के अंदर है, तो कैसे यूज होगा? एरर आएगा, वहां पे स्टैटिक चाहिए आपको, ठीक है, क्लियर है? तो ये है क्लास, तो ये इसके हो गए मेंबर, और ये हो गए इसके मेंबर फंक्शन, ये तो हमारा मेन फंक्शन है, तो ये भी एक तरह से मेंबर, एक्चुअली ये मेंबर नहीं बोला जाएगा, एक्चुअली जब कोई चीज स्टैटिक हो जाती है तो वो क्लास के मेंबर्स नहीं रह जाते हैं। अगर मैं बात करूं स्टैटिक कीवर्ड लगा दिया ना, तो उस क्लास के मेंबर नहीं हो जाते। कैसे? जैसे मैं बोल रहा हूं कि ऐसा कोई मेरे ही क्लास में ऐसा कोई पर्सन आए जो हमारे क्लास का कुछ भी नहीं है, हमारे क्लास का स्टूडेंट भी नहीं है, हमारे क्लास का एम्प्लॉय भी नहीं है, लेकिन फिर भी आता है, काम करके जाता है, ठीक है, तो वो क्या हो गया? हमारे क्लास का मेंबर नहीं, लेकिन वो काम करता है। तो यहाँ पे जिसके साथ मैं स्टैटिक लगा देता हूँ वो उस क्लास का मेंबर नहीं है, लेकिन वो काम करता है, क्लास के अंदर भी आके काम कर सकता है वो बंदा। तो ये इस तरह से हो गया। अगर मैं स्टैटिक निकाल देता हूँ तब जाके ये बनता क्या है हमारा? इसका मेंबर। अब ये इसका, इस क्लास का मेंबर होता है, ठीक है। अगर आप स्टैटिक लगा देते हो तो उसका मेंबर नहीं रह जाता है, वो बाहर की चीज है, बट आपके यहाँ आती है, एग्जीक्यूट करके करके चला जाता है, ठीक है। तो सिंपल है ये, पहले स्टैटिक वॉइड मेन भी इस क्लास का मेंबर नहीं हुआ, बस जावा का रूल ही क्या है कि उसे एग्जीक्यूट करने के लिए कोई ना कोई क्लास चाहिए ही चाहिए, तो इस फंक्शन को भी किसी ने किसी क्लास के अंदर ही रखना होगा, जबकि ये चीज जो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन है पहले ही एग्जीक्यूट हो जाएगी, इसके पहले ही एग्जीक्यूट हो जाएगी। ये वेरिएबल बाद में इनिशियलाइज होगा, लेकिन ये पहले ही एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। जब पहले एग्जीक्यूट होगा तब इन सारी चीजों का, अगर इस क्लास का अब ऑब्जेक्ट बनेगा तभी वो एग्जीक्यूट कर पाएगा, नहीं तो एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा। अगर मैं यहां से सम निकाल देता हूं, फंक्शन तो रहेगा, देखो फंक्शन है ना, सब कुछ लिखा हुआ है, मैं कॉल नहीं कर रहा हूं उसे मेन मेथड के अंदर। और चलो कंपाइल कर लेते हैं, ये रहा हमारा जावा सी सैंपल सी, एंड इसे रन करते हैं, कुछ आउटपुट आया? नहीं आया, क्योंकि वो वाला पार्ट एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ, ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ। एग्जीक्यूट कैसे नहीं हुआ? क्योंकि मैंने इसको इसके अंदर कॉल ही नहीं किया है। जब कॉल नहीं करूंगा तो एग्जीक्यूट नहीं होगा, और एग्जीक्यूट अब कॉल मैं तभी कर पाऊंगा जब मैं इसका ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। अब जरूरत देखो, मुझे जरूरत यह है कि मुझे अब टाइम आ गया कि मैं एक ऑब्जेक्ट बनाऊं, ठीक है। सो ऑब्जेक्ट बनाने का जो कॉन्सेप्ट है मैं वो नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, अभी नहीं। तो ए इक्वल टू 8, इतना समझ में आया क्लासेस क्या है? तो ये इसके मेंबर्स हो गए, और ये इसका आउट ऑफ मेंबर, मेंबर नहीं है लेकिन इस क्लास का ही एक फंक्शन है, ठीक है। मेंबर फंक्शन नहीं बोल सकते, मेंबर फंक्शन वही होंगे जो इसके साथ, इस क्लास का जब ऑब्जेक्ट बनेगा तब इनिशियलाइज होंगे, वही मेंबर फंक्शन बोले जाएंगे। ये तो हमारा एग्जीक्यूट भी नहीं हो रहा है, अगर मेंबर होते तो वो भी एग्जीक्यूट होना चाहिए था ना, लेकिन नहीं हो रहा है, मतलब उसका मेंबर नहीं है, ठीक है। ओके, सेव करो, अब कुछ करने का फायदा नहीं है, मैं नेक्स्ट में ऑब्जेक्ट दिखाऊंगा तब वो समझ में आएगा, ठीक है। दैट्स ऑल, अगर वीडियो समझ में आया तो लाइक करो, नहीं समझ में आया तो भी लाइक करो, लेकिन मुझे प्रॉब्लम बता के लाइक करो, क्योंकि मैं आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा, जो भी हो, जो चीज नहीं समझ में आई होगी। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और उस लेक्चर में हम देखेंगे व्हाट इज ऑब्जेक्ट।